सो हे जी, स्वागत है आपका एक बिल्कुल नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे सीरियस टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि आपको सुनना चाहिए, और सीरियस टॉपिक मतलब लूफी के गियर 5 को लेकर हम आज बातचीत करेंगे। क्योंकि एज अ क्रिएटर मुझे लगा कि इस कंट्रोवर्सी में मुझे हिस्सा लेना चाहिए और मुझे बताना चाहिए अपना ओपिनियन, ताकि आप लोगों को समझ में आए एक्चुअली क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, मतलब क्या सही है और क्या गलत। वैसे तो मैं कोई प्रोफेशनल ऐसा कोई नहीं हूँ कि मैं बता दूँ क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं, बट आई वॉन्ट टू गिव माई ओपिनियन ऑन दिस कॉन्ट्रोवर्सी। सो बेसिकली मैं कोई स्क्रिप्ट लेकर तो नहीं बैठा हूँ ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। मेरे मन में जो कुछ भी आएगा मैं उसको बोल दूंगा। एक्चुअली हो क्या रहा है कि कुछ दिनों से यार वन पीस को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हो रहा है। मतलब आज 10 तारीख है जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 6 तारीख को वन पीस का गियर 5 मतलब लूफी का गियर 5 आया था, और उसके बाद से बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है वन पीस को। मतलब मैं वन पीस का फ़ैन उतना ज़्यादा नहीं हूँ क्योंकि मैंने अभी तक वन पीस कंप्लीट नहीं किया है, बट मुझे इतना तो मालूम है एज एन ओटाकू कि एक एनिमे को रिस्पेक्ट देना बहुत ही ज़रूरी है, और वो ऐसा एक एनिमे जो बिग 3 में आता है। मतलब आप सब लोग क्या बौखला गए हो यार? मतलब लूफी का गियर 5 इतना बुरा भी नहीं था। मैंने देखा वो एपिसोड, मैंने वन पीस कॉट अप नहीं किया बट फिर भी मैंने देखा क्योंकि हाइप में था, सब लोगों ने देख रखा था। और ऑनेस्टली एक बात बोल रहा हूँ कि यार लूफी का जो गियर 5 है ना, वो उस दिन तो इंटरनेट ब्रेक कर ही चुका था क्योंकि बहुत सारे साइट्स थे जो क्रैश हो चुके थे, उन साइट्स पे वो एपिसोड्स ही नहीं दिखा रहा था। मैंने खुद भी बहुत जगह जाके कमेंट किया कि यार तुम लोगों के पास वो एपिसोड है या नहीं, मुझे देखना है। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि कहाँ देख सकते हैं, कहाँ मिलेगा, कहाँ कुछ भी जुगाड़ लगा देते हैं। बट फिर मैंने सोचा कि यार छोड़ो, अभी नहीं देखते हैं, एक दिन बाद देखेंगे ताकि सब कुछ सेटल हो जाए, एक अच्छा सा माहौल बन जाए तो रिलैक्स करके ठीक से देख लेंगे। बट अगले दिन जब मैं उसको देखने के लिए गया, उसके ठीक पहले मैं FB स्क्रॉल कर रहा था और बहुत सारे ऐसे पेजेस थे जो लूफी को गाली गलौज कर रहे थे, जिसे देख के मैं खुद बहुत अपसेट हो गया। और मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं उस एपिसोड को देखूं या ना देखूं, क्योंकि यार सब लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, बट मैक्सिमम ऑफ देम आर क्रिटिसाइजिंग लूफीज गियर 5। क्यों? बहुत लोग बोल रहे हैं वो कार्टून बन चुका है, वन पीस अब एनीमे नहीं रहा, वन पीस अब कार्टून बन चुका है, लूनी टून्स के कार्टून इससे अच्छे होते थे। एनिमेशन को लेकर बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, बट आई थिंक दैट यू हैवन्ट रीड द मांगा। क्योंकि मैंने उसके बाद मांगा भी ट्राई आउट किया, मैंने लगभग 700 या 800 चैप्टर्स पढ़े हैं मांगा से, सो मुझे कुछ तो पता था बट पूरा नहीं वन पीस के बारे में। बट लेकिन मुझे एक चीज़ तो रियलाइज़ हो चुका था कि वन पीस सबसे बढ़िया क्यों है, मतलब वो बिग 3 में आता है उसका रीज़न क्या था बिग 3 में आने का। एज एन ओटाकू और एज एन एनिमे लवर आप ये बोल सकते हो कि जब आपको एक एनिमे अच्छा लगता है, किसी का मांगा अच्छा लगता है, तो आप उसको देखने के लिए तरसते हो। मुझे पता है सब लोग हाइप थे, सब लोगों को बहुत ही एक्साइटमेंट भी था कि क्या होगा। मतलब बहुत लोग एक्साइटेड थे कि यार लूफी का गियर 5 मतलब एक अच्छे लेवल पे एक्शन सीक्वेंस दिखाया जाएगा, लूफी के बॉडी मसल वसल्स बन जाएंगे, बहुत कुछ जिम वगैरह करके आएगा। लेकिन यार सब कुछ वैसा नहीं हुआ, और ऐसा हुआ नहीं क्योंकि लूफी का एक नाम भी है जिसको हम जॉय बॉय के नाम से जानते हैं। और तुम लोग बताओ यार कि जॉय बॉय का मतलब क्या है? हंसी मजाक वाले लड़के जो हमेशा खुल के बात करता है, अपने ओपन पर्सनालिटी से सबको हंसाता है, सबको एक साथ रखता है, सबके बारे में सोचता है। तो अगर उस टाइटल को अगर वो एनिमेट करना चाहते हैं, अगर वो टाइटल अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वो और क्या दिखाएंगे? ठीक है, मतलब गियर 5 से हटके अगर हम बात करें गियर 4, गियर 3, गियर 2, तो उसमें एक्शन था। मतलब उधर एक अलग लेवल का एक्शन था, और जो मांगा क्रिएटर्स हैं उन्होंने भी कहा था कि इस गियर 5 को वो लोग उतना ज़्यादा सीरियस नहीं बनाना चाहते हैं, वो थोड़ा हल्के में हंसते खेलते हुए, मतलब वो ये दिखाना चाहते हैं कि लूफी का असली पर्सनैलिटी है क्या। और सबसे बड़ी बात, जब आपके पास इतना ज़्यादा पावर्स आ जाता है, आपका सारा घमंड या फिर एकदम से चला जाता है, और नहीं तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा घमंड आ जाता है। और लूफी के दिख से देखें तो उसमें कोई भी घमंड नहीं था इतने पावर्स होल्ड करने के बाद भी।
और वही चीज़ एनिमेशन में भी दिखाया जाता है कि वो हंसता खेलता है बच्चा है, कोई कुछ भी कर लो उसको हरा नहीं जा सकता। और क्या है बोले, मतलब लोग इतने ज़्यादा गलत समझ रहे हैं लूफी को, वन पीस को, मतलब इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता अगर कोई भी ऐसा बोलता तो। बट आई थिंक वी शुड स्टैंड फॉर वन पीस, क्योंकि हर शोनेन का एक अलग अलग टाइप होता है, हर शोनेन का एक अलग चीज़ होता है जिसको देखने के बाद लोग समझते हैं कि यार इसमें कुछ तो अलग बात है। ठीक है, वो यूनिकनेस वो मैटर करता है कि आप कितने बड़े हो चीज़ हो। मुझे भी एक चीज़ बहुत बार से खटक रही है कि उन लोगों को कुछ और करना चाहिए था। आई थिंक जो हाइप लोगों ने दिखाया वो शायद कुछ बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग थे जो वन पीस को हाल ही में पकड़ के देख रखे थे, रश कर रहे थे, उन लोगों को भी हाइप आ चुका था कि नहीं देखेंगे वो गियर फाइव देखेंगे। और बहुत ही ओवर हाइप भी था मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि जो लोग अभी वन पीस को शुरू किए हैं, मतलब जो लोग सिर्फ 10 एपिसोड्स या 20 एपिसोड्स वन पीस के देखे हैं, वो लोग भी गियर फाइव को लेकर चर्चे में लगे हुए हैं, और जो लोग 50-60 एपिसोड्स देखे हैं या फिर 200-300 एपिसोड्स देखे हैं वो लोग भी चर्चे कर रहे हैं वन पीस के ऊपर, और जो लोग पूरा देख के रखे हैं या फिर मांगा जो रीडर्स हैं वो लोग भी चर्चे कर रहे हैं, मतलब सब लोगों ने इसको हाइप दिया है। इसी कारण से शायद से जो लोग एक्चुअली वन पीस को पूरा फील नहीं कर पाए उन लोगों को ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि वो लोग उतना ज़्यादा कॉटअप भी नहीं कर पाए थे और रश में ही देख लिए तो वो फील उनको ग्रो ही नहीं हुआ मेरे ख्याल से। ये लगता है बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने कैसे देखे। और मेरे साथ भी वही हुआ कि मैंने जो देखा था, मैंने हार्डली 500 एपिसोड्स तक ही देखा है, और उसके साथ साथ मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि पूरा वन पीस का थीम, मतलब उस वीडियो में मैंने 500 एपिसोड्स तक तो खुद से स्टोरी बनाया और बाकी का जो था वो रेफरेंस लेके रिसर्च करके मैंने बनाया था। बट जो भी हो, मैं 500-600 एपिसोड तक गया तो एक अच्छा सा फील आ गया था, बट उतना नहीं आया था जो 1000+ और पूरा कंप्लीट करने पे आता है। तो मैं एक ही बात कहूँगा, इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज मत करो। और एक बड़ी बात कि व्यूक ने भी ये कहा है कि लूफी का जो गियर फाइव है वो गोकू का जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट था उसको क्रॉस नहीं कर पाया, मतलब उसको ओवरटेक नहीं कर पाया, और मैं इससे एकदम सहमत हूँ। लेकिन व्यूक भाई, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुम उस वीडियो में सबसे अच्छे से बात किए लेकिन एक चीज़ नहीं बताया कि यू आर कंपेयरिंग फादर विथ सन, मतलब आप नहीं कंपेयर कर सकते, बाप बाप होता है यार। ठीक है, आप वो बात नहीं बोले, वो मुझे बुरा लगा कि बोलना है तो पूरा बोलो यार, मतलब आप खुद इंस्पायर करते हो इतने सारे लॉन्डियों को कि देखो ओजी एनिमेस देखो, बट वो बात आपने नहीं की कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, बेटा जितना भी ऊपर चला जाए बाप के सामने वो बेटा ही रहेगा। ठीक है, सो ये कोई पर्सनल अटैक नहीं था भाइयों, ठीक है, तो कोई भी बुरा मत मानना, बट मेरा ओपिनियन मैंने बताया, ये एक जस्ट अ रैंडम वीडियो था वन पीस कंट्रोवर्सी से लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा था, मुझे बताना चाहिए था कि एक्चुअली क्या हुआ था और क्या नहीं। और बहुत सारे ऐसे साइट्स भी थे, व्यूक ने भी बताया कि एक साइट ने तो स्पोर्ट्स की नाम पर एक साइट है उसने तो डायरेक्टली वैसे कंपेयर कर दिया, मतलब सच कहा है बट वैसा सच नहीं कहा जो, मतलब फैक्ट्स नहीं थे उसमें। ठीक है, एक्चुअली उस साइट में वो जो था ना आर्टिकल, उसमें कोई फैक्ट्स नहीं था वन पीस को इतना गिराने का। तो जो भी हो छोड़ो यार, मतलब हेटर्स को वो लोग फैक्ट्स बना के वो लोग पोस्ट कर रहे थे, बट छोड़ो जो भी हो, मैं इतना कहना चाहूँगा कि एनीमे देखते रहो, वन पीस हो, नारुतो हो, या फिर ड्रैगन बॉल या फिर ब्लीच, सारे ओजीज एनीमे हैं, सारे एक से बढ़ के एक एनिमे है। और सबसे बड़ी बात कि इन सब से कोई मैटर नहीं करता यार, तुम इस जनरेशन के बच्चे हो जहाँ तुम्हें लूफी का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, उसके बाद नारुतो का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, उसके बाद ड्रैगन बॉल से गोकू का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, और इसके बाद तो ब्लीच का आ भी रहा है, मतलब तुम इस जनरेशन के बच्चे हो जो इसको देख पा रहे हो, जो इसको फील कर पा रहे हो, तो इसको मज़े में लो, ज़्यादा सीरियस मत हो जाओ, सब कुछ जजमेंटल वे में मत देखो, सब कुछ कंपेयर मत करो, इतना ही कहूँगा कि टेक इट लाइटली और मज़े करो, सब
ये बिग थ्रीज है, मतलब तुम रोनाल्डो और मेसी को कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे ही वन पीस, नारुतो, ब्लीच, ड्रैगन बॉल, इन सब को कंपेयर नहीं कर सकते, ये सारे अपने अपने पोजीशन पे सुपीरियर हैं, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही बक गया यार, जानता हूँ वीडियो लंबा हो गया, और क्या ही कहें, टॉक्सिक लोग तो हर जगह होंगे ही। मैं जानता हूँ इस वीडियो के नीचे बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करेंगे, टॉक्सिक सिटी भर जाएगा शायद से, क्योंकि मेरे वीडियोज़ में उतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, बट इट्स ओके, देखते हैं क्या होता है। बट एंड में जो हमेशा मैं कहता हूँ, एनीमे देखते रहो और चिल करते रहो अपने लाइफ में। पीस आउट।